अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर अली जी। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दावा के कैमराज को इनकोडिंग पे कैसे सेट करना है और उसके बाद दावा का चैनल टाइप को कैसे सेट करना है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ये पासवर्ड खोलने के बाद आप मेन्यू में इंटर हो गए हैं। फिर कैमरा सेटिंग में जाना है आपने, चैनल टाइप में जाना है। चैनल टाइप में ये आपने जो दावा के कैमरा है उनको HDCVI पे सिलेक्ट करना है। HDCVI पे सब दावा के कैमरा को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो है ना इनकोडिंग में खुद ही आ जाएंगे। और ऑटो पे भी चलते हैं। ऑटो में कभी कभार दावा के टीवी पे मसला आ जाता है तो आपने जो दावा के कैमरा है उनको आपने HDCVI पे करना है। उसके बाद इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपने किसी भी कैमरा का इनकोडिंग सेट करने के बाद नेम वगैरह कैसे सेट करना है। अप्लाई करके सेव कर लें। जी आप अब इधर से आप वीडियो की और ऑडियो की सेटिंग कर सकते हैं। मतलब ये वीडियो को आपने किस स्टैंडर्ड पे सेट करना है, ऑडियो इनेबल करने के लिए क्या करना है, तो ये आप वीडियो में आपको मुकम्मल बताया गया है। तो ऑडियो की सेटिंग को इनेबल करके अप्लाई एंड सेव करेंगे तो ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। आपने डिफ़ॉल्ट पे करना है तो आप डिफ़ॉल्ट पे भी इसको सेट करके भी अप्लाई कर लेंगे। अभी हम चैनल का नेम रखना चाहें तो हम इधर से चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। आपके ऑफिस में लगा या किसी भी प्रीमिसेस में कैमरा लगा तो उस प्रीमिसेस का नाम आप कैमरे के ऊपर सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ऑफिस का नाम सेट किया है, वो साइड पर ऑफिस का नाम कैमरे में सेट हो गया। इसके बाद मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि टाइम डेट को कैसे सेट करना है। तो आप ये देख लें, सिस्टम सेटिंग में आपने जाना है। जब आप टाइम डेट के ऊपर क्लिक करना है तो इधर से आपने अपना टाइम डेट सेट कर लेना है। अक्सर हमारा टाइम डेट सेट नहीं होता, रिकॉर्डिंग का इश्यू आ जाता है तो हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। इस वजह से आप अपने टाइम डेट को चेक करते रहा करें ताकि जो है ना रिकॉर्डिंग आपको टाइम पर मिल सके। अक्सर टाइम डेट जो है वो गलत हो जाता है। इसके अंदर एक सेल लगा होता है, सेल अगर ख़राब हो जाए तो फिर टाइम डेट रीसेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप ये नहीं चेक करना है तो अपने इसको बकायदा जो है ना रिकॉर्डिंग करवाने के लिए तो आपने टाइम डेट हमेशा सेट कर